हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल की वीडियो में ना हरून को रामजीत में कमल किया 27वीं को किया ना कमल, कितने पैसे मिले हैं? 400 रुपया रामजीत भी साथ मिला है। तो कोई चीज नहीं खिलानी हमें? हमें कोई चीज नहीं खिलानी, जो मर्जी खा लेना। आज भी पिज्जा खिलाओ, झूठ ना बोलना फिर। ये है, झूठ ना बोलना। ये देख लो, ये देख लो, जो चीज तुम्हें खिलानी है ना वो वीडियो में भी आनी है। चलो यार ठीक है, जो मर्जी खिला दे। जो मर्जी तू पैटा फिर लिखवा रहे, जो मर्जी खिला दूंगा। अभी नहीं पिज्जा खिलाना, ईद में खिलाऊंगा आपको, ठीक है रोना? ईद में फिर हम पिज्जा खाना तुमसे। अब ना सुन रहे हो ना भाई, मैंने भी खाना है, मैंने तुमसे खाना है। क्यों नहीं? मैंने भी रामजीत नहीं पढ़ा अभी, वो पढ़ा अभी, तीन बड़ी पढ़ी थी तो अब पढ़ा अभी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब नहीं खिलाना, ईद पे खिलाऊंगा। हाँ लेकिन अभी तो तुमने खिलाना है ना इस दफा, ईद में ईद पे खिलाऊंगा ना। हाँ अब बुरा तुम भी थोड़े पैसे डाल देना, तुम्हारा भाई है कोई भाई 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 ताला खोल रहा है, शटर ऊपर कर दिया। बुरा रहा, जाओ लड़ाई रहती है। वो कहता है मैंने सब पहले लगानी है, कहता मैंने पहले लगानी है। बांदर इधर आ, और एक भाग गया। अब बुरा रहा बस फिर ठीक हो गया। अभी आया साई दोस्तों, अभी गाड़ी बाहर निकाली है, अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरी बहन से दिखाई थी कि मैंने डोली लेनी है, वो डोली नहीं होती है बंगूड़ा जो इसमें बैठ के बच्चे झूले लेते हैं, तो वो लेना था। तो अभी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ जाकर वहाँ, और जो लेना है पसंद करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखे गाड़ी में बैठ गए हैं पापा, देखे गाड़ी चला रहे हैं, तो डीसी कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं। पापा कह रहे थे कि वहाँ मैंने देखे थे लगे हुए थे, चल के देख लेते हैं ना, अगर लगे होंगे तो ले लेंगे वहाँ से देख के अच्छा सा। तो दोस्तों ये देखे सामने, ये मनीर चौक है, सामने डोलियाँ लगी हुई हैं। ये देखे ये वाले अंगूढ़े थे, तो इनमें से कुछ पसंद करके ना ले लेते हैं। ये देखो वो सामने गाड़ी पार्क कर दी है, ये मनीर चौक का, मनीर चौक के पास ही यह दुकान है। ये देखे मुख्तलिफ डिज़ाइन की लगी हुई है डोली है। ये देखे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, डबल वाली है ये, इसे इसमें देखो किसी बंदे ने सोना होना तो उसके लिए ये। और ये देखे ये साइज़ अच्छा लगा है, ये देख ये भी सही है, इससे बहुत मज़ा आता है बैठने का। ये संगलियाँ यहाँ लगी हुई है, टूटने का खतरा ही नहीं है। ये देखे इसमें बैठ के झूला लेते रहो आराम से, मजे से, नींद भी आ जाएगी आपको। अंदर भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, ये देख, ये देखिए ये बड़ी है डोली, इसमें बोला ऐसे ना, ये बहुत ज्यादा बड़ी है, नाली चल दी है, फुल बंदा लेट है, चल दी नाली चल दी, लाओ चल दे, चल चल अंदर ना पापा रेट कर रहे हैं, जो छोटी डोली है ना वो लेनी है, क्योंकि ये जो बड़ी डोली है ना ये है भी बड़े साइज में है, तो ये अंदर हमारे घर में ऊपर जानी भी नहीं है, अगर ऊपर फर्श करे चली भी गई ना तो ऊपर रखने की जगह नहीं बचनी है, तो छोटी डोली है ना ये ही लेते हैं। बाकी कमाल का सीन ये है कि डोली में बैठने का मजा बहुत है, स्टिंग लगे हुए ऐसे बंदा ऊपर नीचे होता है, बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए फाइनल हो गया, बिल बन गया। ये देखिए टोकरी ये रखी हुई है भाई, अभी डाले में ना लोड करने लगे हैं, स्टैंड अभी उसका अंदर पड़ा हुआ है, वो भी अंकल बाहर लेकर आते हैं। वो देखिए ये स्टैंड बाहर आ रहा है, ये देखिए जी अभी अंकल ने उठा लिया है और अंदर लोड करने लगे हैं, पहले ये लोड करते हैं फिर ये टोकरी लोड करते हैं इसके अंदर। और ये देखिए अंकल ये किसी रस्सी से बांध रहे हैं, हम भी अपनी गाड़ी में बैठ के ना इनके साथ चलते हैं घर की तरफ। यार बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ये देखिए हमने तो दो नंबर पर अंदर आके एसी लगा लिया है,
बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। घर आ गए हैं हम लोग, ये देखो सामने घर आ गया, अभी इसको ऊपर ले जाने का ना इंतजाम करते हैं। साथ हम इधर हाथ बताते हैं इन्हों का, फिर बाद में आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये डोली जो पापा अंदर लेके जा रहे हैं और इसको पहले जाता हूँ ऊपर, ये जो डंडा स्टैंड। राकर ना सो गए हुए थे, बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, बहुत थक गए थे, तो उसके बाद माँ पापा फिर गए हुए थे कि चीज़ें लेने के लिए, कुछ रोटियाँ वगैरह लेनी थी तो वो लेने के लिए गए हुए थे, और ना कार में पेट्रोल भी डलवाना था, जिसकी वजह से गए हुए थे मम्मा पापा। तो उसके बाद मैं आकर ना सो गया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा नींद आई थी, तो 5:10 का टाइम हो गया, तो आज 27वां रोज़ा और मेरी बहन ने कुरान मजीद भी मुकम्मल किया है और 27वीं रात भी थी, बहुत अफजल आज का दिन ना। तो आज मैंने मामा को कहा कि मामा ख़त्म दिलवा देते हैं, तो अभी टाइम तो बचा नहीं हुआ है ख़त्म दिलवाने का, कोई देख बनवाने का, आधा घंटा पड़ा हुआ है तकरीबन, एक पूरा घंटा पड़ा हुआ है। तो समोसे मैंने कहा मामा बांट देते हैं और साथ जूस पैक एक डिब्बा, तो फिर मैं जा रहा हूँ सामने, कहा समोसे मिलते हैं वहाँ जाकर दे के आते हैं समोसे का और साथ में जूस भी लेकर आते हैं, आपको दिखाता हूँ चलकर। ये देखे दो पेटियाँ लेकर आए हैं, एक लिए ऊपर वाला खाना फुल हो गया, अभी समोसे का आर्डर में दे आए, वो भी 10 मिनट तक ले आते यार। पापा समोसे लेने के लिए सामने रेडी हो गए होंगे, थोड़ा टाइम रह गया अफ्तारी होने में, तो चलते हैं। यार ये देखिए समोसे ले रही हैं, अभी 40 समोसे लेके घर चलते हैं। तो ये देखे मेरी दादी तक सेम कर रही है सारे बच्चों को जूस और समोसे, ये देखे आप लोग। तो दोस्तों अभी मैं अपने कपड़े चेंज करने लगा हूँ, मैं जा रहा हूँ जिम, तो कपड़े में चेंज करने लगा क्योंकि मैंने सूट पहना हुआ है, तो कोई कच्चा शर्ट पहन लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देखे डोली पड़ी हुई है, क्या बात है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। यह देखिए आगे मेरी बहन है, पूरा दिन इसमें बैठी रही है, आपको पता है नई नई कोई चीज़ लाइट शौक बहुत होता है, तो ये देखिए मेरी बहन पूरे दिन बैठी हुई थी इसके अंदर, और इसमें बैठने का मज़ा भी बहुत आता है। और यहाँ से कपड़े आप पकड़ ले, अभी मैं पहले फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार की तरफ, मैं और पापा और ताया बू जा रहे हैं कुछ गोल्ड की दुकान पर जाकर कुछ लेना था वहाँ से, और उसके बाद मैंने आईफोन लेना है व्लॉगिंग के लिए। यार मेरा कैमरा थोड़ा बेस्ट नहीं है, मैं लगे चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ, और अच्छा क्वालिटी लेकर आऊँ, अच्छी अच्छा कैमरा लेकर आऊँ, अच्छी क्वालिटी, अच्छा मोबाइल लेकर आऊँ, तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग मैंने व्लॉग डाल लेना, इस वजह से मैं मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। तो गाइस अभी हम लोग सबसे पहले आए हुए हैं गोल्ड की दुकान पर, ये देखिए गोल्ड वाला बाजार है ये सारा, तो यहाँ से फारिग होकर ना आपसे मिलते हैं। तो मैंने ना न्यू आईफोन लेना है, आपको पता है कि जो मेरा मोबाइल का फ्लैश है ना वो नहीं होता, तो ये देखिए दुकान है, दुकान है पर आए हुए अभी विजिट करने के आए हुए हैं, कौन सा अच्छा मोबाइल है तो ले गए इंशाल्लाह कल या परसों। टैग बोर्ड तो उल्ला ही पड़ला दोस्तों। मोबाइल देख रहे हो दुकानों में अच्छे अच्छे, तो अभी इसमें भी आए हैं विजिट करा रहे हैं अभी।
भी सामने बैठे हैं। शराब भी है ना, मतलब शराब भी इधर। ये बॉक्स का भी है लेमन। ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਾਦਾ ਛੱਡੀ ਡਿੰਗਸ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਸਭ ਜਦ ਖਾਇ ਜਾਦੇ ਜਾਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਪੀ ਲੈ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਲੈ ਜਾਏ ਘਰ ਯਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। तो घर आ गए, सबसे पहले खाना खा ले, फिर बाद में ना आपको मैं सारी बात बताता हूँ, कपड़े चेंज कर कर। दोस्तों घर मैं ना आ गया हुआ था, तो यार मैं सोच रहा हूँ कि एक न्यू मोबाइल ले लूँ। पापा को मैंने कहा था, तो पापा कह रहे थे मैं आपको ले दूंगा मोबाइल, न्यू लेना है। मैंने आईफोन 13 देखूंगा या 14 या 12 प्रो मैक्स देखूंगा या 13 प्रो मैक्स या 14 प्रो मैक्स, ये वाला मोबाइल मैं देखता हूँ इनमें, क्योंकि मेरा दिल करता है कि आप लोगों के लिए ना अच्छी क्वालिटी के ब्लॉग लेकर आऊँ। तो देख ले, मैं आप लोगों के लिए मोबाइल ढूंढ रहा हूँ इतना महंगा तो, लेकिन प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब किया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते, मैं आप लोगों के लिए आईफोन लेने जा रहा हूँ। तो अभी विजिट किया, रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेना तो पड़ना है। वैसे भी ये जो मेरा मोबाइल है ना, इसका फ्लैश नहीं ऑन होता है, फ्लैश लाइट इसकी ख़राब है। तो वैसे भी इसकी बैटरी सर्विस में है, तो इसी वजह से ना मैं मोबाइल न्यू लेने की सोच रहा हूँ। तो 13 या 14 प्रो मैक्स देखेंगे। तो अभी हम घर आ गए हुए हैं, खाना भी खा लिया है। मेरा दिल करता है कि यार मोबाइल बड़ा लेकर ना आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, क्योंकि आगे हमने घूमने भी जाना है और ईद भी आ रही है और शादी भी आ रही है आगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे पहले आप लोग मेरे आगे आने वाले व्लॉग से बाखबर हो जाएँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जो जो भी अच्छे क्वालिटी के अच्छे व्लॉग डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मामा ने मुझे बताया था कि मेरी ना अम्मी मजीद की देख गई है, हमारी नानी अम्मी ये देखे ईद मामा को देख गई हैं, और साथ हमें भी देख गई हैं 500 रुपया, और साथ ही ये मिठाई का डब्बा देख गई हैं, सलमान स्वीट की जो मिठाई नहीं होती वो है। एक मिनट मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ, ये देखे ये इतनी ज़्यादा माशाल्लाह मिठाई देख गई हैं, और साथ ये ईद है ये देखे। तो बाकी दोस्तों मैं ना इस वाले व्लॉग की पेंड करता हूँ, अभी मैं सुन लगा, और अभी मैं ना बाहर से चीज़ लेकर आया हूँ, इसी वजह से कमीज़ पहनी हुई है, तो अभी मैं कमीज़ उतारने लगा हूँ और बाकी मैं सुनने लगा हूँ। इस वाले व्लॉग की पेंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।